इंडिया में जिसके 5-7 बच्चे नहीं होते उसके तो कोई इज्जत ही नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसी चक्कर में तो हम 150 करोड़ पार कर गए। 12 भाई बहन, मतलब आपके पिताजी को किसी ने समझाया नहीं? ये बहुत दर्द भरी कहानी है। परिवार नियोजन से नर्स आई, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने आधा घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14 हैं। लो जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि ये सब बातें छोड़िए, वो क्या हुआ ना ख्याली जी, एक बार मैं एक गांव में चली गई। ओके। सुबह सुबह मैं वहां पर घूम रही थी और मैंने चीज देखी, वहां गांव के लोग पता नहीं गोल गोल समथिंग क्या ऐसे बांध कर, इज दिस इंडियन फैशन? यूपी का फैशन है लुंगी, लुंगी गोल गोल राउंड राउंड। पुंगी? लुंगी, तुमने लुंगी को बजा के रख दिया। पुंगी? लुंगी, लुंगी मतलब धोती, धोती यू नो धोती, धोती धोती यू नो धोती। नो, धोती मतलब धोती तो धोती, नहीं धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा, उसमें कहां से हवा आती कहां हवा जाती कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाती। दिस इज धोती, इंडियन फैशन। ओहो, आप जरा मुझे ये बताइए कि वहां पर ना मैंने एक और चीज देखी, सुबह सुबह मैं रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी तो मैंने वहां देखा कि लोग नीचे बैठे हैं रेलवे लाइन पर। ये सारे हिंदुस्तान की समस्या है, यूपी की अकेले थोड़ी है। सुबह सुबह, हाँ सुबह रेलवे लाइन पे, हाँ रेलवे लाइन पे डब्बा लेके नीचे बैठे थे। दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मिनट ख्याली जी, वो नीचे बैठे थे, वो यूपी के लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए थे। ख्याली जी उनके डब्बा था और डब्बे में पानी था। ओ यार, अंग्रेज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पानी की बोतल नहीं रखते, हमने इंडियन लोगों ने डब्बा रख लिया, इसमें हैरानी की क्या बात है। लो अच्छा चलिए ये सब छोड़िए, आपको पता है मैंने वहां पर क्या देखा? मैंने वहां एक दीवार देखी, उस पे गोल गोल ब्राउन ब्राउन समथिंग, इज दैट वॉल पेंटिंग? नो वॉल पेंटिंग, उपले, उपले गांव में होते हैं दीवारों के ऊपर चिपकाए हुए उपले। उपले? उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर ख्याली जी? यू डोंट नो गोबर? नो। मुंह तो बहुत गंदा किया तुमने। गोबर मतलब भैंस का ओवरफ्लो। भैंस का? व्हाट इज भैंस? भैंस मतलब मिल्क पैक मम्मी, बुफेलो। आप देखिए सब लोग मेरे पे हंस रहे हैं, मैं एक तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सबके सामने। जो आपने पूछा वो बताया, मैंने कहा मजाक उड़ाया, मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एक लड़की एक औरत बहन होती है। अच्छा, आदमी बहनों ही नहीं होता सब? हाँ तो फिर ख्याली जी एक औरत माँ भी होती है। अच्छा, माँ बनाया किसने? हमने स्पॉन्सरशिप दी तभी माँ बनी ना, ऐसे थोड़ी एक खंबे में बड़ी, मुबारक हो जी माँ बनने वाली। This is too much, you stupid idiot moron, just get lost. I don't like this here and there, we're wonderful, beautiful, back to say date and happy birthday to you. ये क्या है? तो जितनी अंग्रेजी तेरे को आती थी तूने बोल दी, जितनी मेरे को आती थी मैंने बोल दी। This is too much, मैं जा रही हूँ। थैंक यू दिव्या जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बड़े अच्छे सवाल लिखे आपने।